हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन आपको दे रखा होगा तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। वैसे आप कुछ चीज़ें जानते हैं शुरू से ही, यानी ये आपको बताई गई हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आप पहले से ही जानते होंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई भी आपको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें चार साइड होती हैं, उसके चारों एंगल का सम कितना होता है। उसके चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ये बातें तो आपको बताई गई होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ साइड बढ़ाते हुए चले जाएं, मान लीजिए कि अगर हम, यहाँ तो था ट्राइंगल, यह हुआ क्वाड्रिलेटरल, अगर हम इस तरीके से एक पेंटागन बना दें ऐसे, तो क्या आप बता पाएंगे कि इसके तीनों एंगल का, सॉरी इसके पाँचों एंगल का सम कितना होगा। तो इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते हुए चले जाएँ, तो शायद आपके सामने ही मुश्किल आ जाएगी कि आप देख करके बता दें कि उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम, यानी इंटीरियर एंगल के सम का मतलब है कि अंदर जितने भी एंगल बने हुए हैं उनका योग कितना होगा, उनका सम कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। यानी अगर आपको कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, उसमें कितनी भी साइड हो, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एन माइनस टू, और बाहर ब्रैकेट के बाहर करेंगे मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा करके आप किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, मतलब चलिए ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में यहाँ पर सबसे पहले तो इस एन का मतलब समझ लीजिए कि एन का क्या होता है। एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कह लीजिए या फिर नंबर ऑफ एंगल्स कह लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अगर फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ द, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एन माइनस टू, ओके, और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब एन की जगह पर आपका रहेंगे थ्री, क्योंकि ट्राइंगल है, माइनस टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो, तीन में से दोगे तो एक, तो यहाँ बचेगा एक और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरह हम ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम फाइंड कर पाए इस फॉर्मूले से। अब अगर हमें दिया हुआ हो हेक्सागन, चलिए हेक्सागन के लिए निकालेंगे, हेक्सागन, तो हेक्सागन में एन कितना होता है, एन मतलब नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। तो चलिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर, है ना, एंगल्स ऑफ हेक्सागन, ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू एन माइनस टू और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो देखिए, एन इज इक्वल टू क्या है हेक्सागन में, एन इज इक्वल टू सिक्स होता था, यहाँ पे सिक्स रख दीजिए, सिक्स माइनस टू और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। छः में से दो को माइनस करेंगे तो यहाँ पे चार बचाएंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप चार की मल्टीप्लाई 180 में कर दिए, 18 चौक 72 होते हैं, तो 720 डिग्री, 720 डिग्री किसी भी हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी, कोई भी पॉलीगन दे रखा होगा तो उसके इंटीरियर एंगल का सम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से जो आप देख रहे हैं, एन माइनस टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ पर एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स कह लीजिए या फिर नंबर ऑफ एंगल्स भी आप कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।